पंडित साहब किस तरह से देखते हैं, आज 200 दिन पूरे हो गए हैं धरने को, मोर्चे को कैसे देखते हैं? देखिए, ये बड़ी सफलता है दोनों मोर्चों की, केक किसान मजदूर मोर्चा और SKMNP की, क्योंकि बड़े शब्दिक हमले हमारे ऊपर किए गए भाजपा के द्वारा, हमें बदनाम करने के लिए खालिस्तान का अटैक लगाया गया, लेकिन लोगों ने माना नहीं। हमारे ऊपर जिस तरह से शहीद शुभकर्ण जी को शहीद किया गया, 433 किसान शहीद किए गए, बैरिकेटिंग करके दीवार बनाकर हाईवे के हमें रोका गया, इसके बावजूद आप सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, इसके बीच हम डटे रहे और बड़ी सफलता से पीसफुली ढंग से 200 दिन पूरे किए हैं। ये बड़ा दिन है किसान मजदूर आंदोलन के लिए और बड़ा इकट्ठे यहाँ पर हो रहा है। लेकिन क्या इसका हश्र क्या होने वाला है, कैसे सिरे चढ़ेगा ये जो आंदोलन है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव था वो हो चुका, आप उस टाइम भी बैठे रहे, लेकिन उसके बाद नई सरकार भी बन गई, बातचीत के लिए भी कोई अभी आगे उधर से भी नहीं आ रहा है, इधर से भी कोई पहल नहीं हो रही है, तो कैसे सिरे चढ़ेगी ये बात? देखिए, ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। सरकार ने बातचीत कर मसले का हल करना ना करना सरकार के हाथ में, पांचवे दौर की सरकार बातचीत शुरू करे, किसान इसके लिए तैयार है, उन्होंने बात करनी है नहीं करनी उनकी मर्जी है। और हमारा मानना है कि ये आंदोलन बड़ा आंदोलन हो रहा है और भी आंदोलन बढ़ेगा, जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा, इसका भविष्य जो है इस आंदोलन का बड़ा उज्ज्वल है। तो क्या लगता है कि अभी ये आंदोलन जो है वो लगातार चलेगा, या अभी जो चुनाव हो रहे हैं कहीं ना कहीं उसका इंतजार हो रहा है कि हरियाणा में कोई सरकार बदलेगी तो आगे कोई बात होगी? हम लोग किसी चुनाव से अपने आंदोलन को रिलेट नहीं करते हैं, चुनाव से इस आंदोलन का कोई लेना देना नहीं, हमारे किसानों मजदूरों की मांगे हम लगातार उसके ऊपर आंदोलन करते रहे और करते रहेंगे। एक जो बयान आया कंगना रनौत का और उसके बाद बयान के बाद सिमरनजीत सिंह मान का जो बयान आया, कैसे देखते हैं आप दोनों बयान? मुझे लगता है, देखिए, जहां तक कंगना जी की बात है, कंगना जी को भाजपा ने और बहुत सारे 5-7-10 लोग हैं उनको इसलिए रखा गया कि लोगों की भावनाओं को किस तरह से भड़काया जाए। अगर भाजपा उनके बयान से अलग हुई है तो मुझे लगता है कि उनको जो है अपना उनको जाब्ता कार्रवाई होनी चाहिए। अब मान साहब का बयान है, वो उनका अधिक जवाब दे सकते हैं कि उन्होंने किस संदर्भ में अपना बयान दिया है। किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट भी अब आपके इस धरने को लेकर के इंटरवीन कर रहा है और उन्होंने कहा कि आपस में बैठ करके बात करें, पंजाब और हरियाणा की सरकारें जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बात करें, रास्ता एक एक जगह का खोला जाए, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, कोर्ट का तो अभी निर्णय आ रहा, हम तो 5 महीने से कह रहे भी रास्ता खोला जाए, हमारा रास्ते खोलने के ऊपर तो कोई विवाद नहीं है, रास्ता हरियाणा सरकार नहीं खोलना चाहती, उनकी मर्जी है, अब खोलना ना खोलना। जहां तक मसलों का हल करने का सवाल है, हमारे ओर से तो दरवाजे खुले हैं, अब सरकार ने मसले का हल करना नहीं करना उनकी मर्जी है। जहां तक कोई कमेटी का सवाल है, कमेटियां तो सरकार या इस तरह से बनाती हैं कि ये मसलों को बिगाड़ने के लिए, कमेटी मसले का हल नहीं, सरकार सीधी बात करे, मसले का हल करे। तो क्या आप लोग तैयार हैं कि कोई आप लोगों की तरफ से पहल होगी सरकार को इनवाइट करने के लिए कि आए और हम बात करने के लिए तैयार हैं मुद्दे का हल? देखिए, हमने तो हर जगह से मांग पत्र अपने भेज ही रखे हैं, आपके माध्यम में लगातार बोल रहे हैं कि जब मर्जी सरकार को चाहे हमें बुलाए, हम बातचीत के लिए तैयार है, हमारा तो रास्ता खुला है, हमने तो रास्ता बंद ही नहीं किया। आज की जो महापंचायत ये रखी गई है, इसके अंदर क्या फैसला हो सकता है? शाम को आपको निर्णय नजर आएंगे, जो भी हम निर्णय करेंगे। तो इसको अब आंदोलन को और ज्यादा धार दी जा सकती है या इसी तरह से जो अभी चलेगा इसी तरह से चलने वाला? नहीं, धार देंगे, बड़े आंदोलनों में ऐलान होंगे, बड़ी बातें आने वाले समय में आपको नजर आएंगे। पंडित साहब, एक लगातार कहा जाता है कि किसान अब हर मुद्दे के अंदर आने लग गए हैं, जैसे 3 जो कानून आए हैं, वो जो क्रिमिनल कानून आए हैं, अब उनके लिए भी किसान आ गए हैं, पहले कृषि कानून के लिए तक तो ठीक था, लेकिन अब हर कोई जो भी मुद्दा आता है देश के अंदर वहाँ किसान खड़ा हो जाता है। देखिए, ऐसी बात नहीं है, जहाँ किसानों को क्रिमिनल लॉ, इतना बड़ी आबादी है, 80% किसान मजदूर की आबादी है, तो क्रिमिनल लॉ तो पूरे देश को प्रभावित करते हैं और हर को इस देश में अपनी बात करने का, बात रखने का अधिकार है, तो जो पीड़ित तबका होता है वो अधिक बोलता है, हम पीड़ित हैं। हरियाणा सरकार कहती है कि हमने तो किसानों के सारे मसले हल कर दिए, MSP की मांग कर रहे थे, हरियाणा सारी फसलें MSP पर खरीदता है। हरियाणा सरकार को इस बात का जवाब तो 1 अक्टूबर को मिल जाएगा, पहले MP इलेक्शन में मिल गया, अब जो अगर मसले हल किए होंगे तो हरियाणा के लोग जवाब देंगे।
तो फिर बोले आपका घेराव क्यों हो रहा, हरियाणा के लोग ही कर रहे हैं। तो ये बातें कहने की कोई बात नहीं, वो जो मुझे लगता है तथ्यों से अलग बातें करते हैं जो ग्राउंड की सच्चाई नहीं है। कंगना रनौत कहती है कि उनकी जो फिल्म बन रही है वहाँ धमकियां मिल रही है, जो बना रहे हैं सेंसर बोर्ड को धमकियां मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई उनको धमका सकता, सरकार की इतनी बड़ी प्रोटेक्शन है। हम तो बस यही कहते हैं कोई भी फिल्म किसी भी धार्मिक समुदाय विशेष के की भावनाओं को भड़काने वाली हो, समाज में जहर फैलाने वाले हो, उसके ऊपर सेंसर बोर्ड को कार्रवाई करनी चाहिए, उसको रोकना चाहिए कि आपसी भाईचारे में फूट ना डले। मेरा आखिरी सवाल है कि कहीं ना कहीं एक तरफ का रास्ता खोलने के लिए कोई इस रजामंदी बनाने की कोशिश करेंगे कि आमजन को भी परेशानी ना हो? हम तो कहते सब रास्ता खोल दे, हमारा रास्ते खोलने में कोई आपत्ति नहीं, ये हरियाणा सरकार ही रास्ता नहीं खोलना चाहती। लगातार यही कहते रहे कि आप फिर ट्रैक्टर टैली लेकर जाने के ऊपर अड़े हुए। देखिये, ये तो हमारा निर्णय है, सवाल तो ये नहीं है। सवाल है भी आपको रास्ता बंद करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है।